मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल के अपने ITZ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको विस्तार से बताया कि एक साउंड क्या होता है। अब साउंड के बाद आज की जो पीरियड है, इस पीरियड में मैं आप लोगों को लेटर्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में जाना, जहां लैंग्वेज के बारे में आपने समझा कि भाषा जो है भावनाओं को, विचारधाराओं को व्यक्त करने का एक साधन है, एक मेथड है। इस मेथड को बनाने के लिए आपने जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लिया था वो था साउंड, ध्वनि, जहां पर आपने 44 ध्वनियों का निर्माण किया था। 44 ध्वनियां आपने बनाया था। अब इन ध्वनियों को अगर मिला दिया जाए, ध्वनियों को कंबाइन किया जाए, इनकी एक सही तरीके से एक कॉम्बिनेशन हो, तो ध्वनियों के कॉम्बिनेशन से जो अगला एलिमेंट बनेगा वो आपका लेटर होगा। साउंड को मिलाया जाए तो अगला एलिमेंट क्या बनता है? लेटर। लेटर को अगर मिला दिया जाए और अगर उन अक्षरों के समूह का कुछ एक अर्थ बन जाए तो वह आपका वर्ड बन जाता है। और अगर वर्ड को मिला दिया जाए जिसका कुछ एक सार्थक अर्थ बन जाए तो वह अगला एलिमेंट आपका सेंटेंस होता है। आप देखते जाओ ध्यान से, आप चले भाषा बनाने, एक माध्यम बनाने भावनाओं को, विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या बना लिया? साउंड। और साउंड जब बन गया तो आपने साउंड को कंबाइन करके नेक्स्ट एलिमेंट जो बनाया वो लेटर बन गया। लेटर बना तो लेटर को कंबाइन करके आपने वर्ड बनाया, और फिर शब्दों को यानी कि वर्ड्स को कंबाइन करके आपने सेंटेंस बना लिया। अब जब आपका सेंटेंस बन गया तो एक साथ अगर बहुत सारे सेंटेंसेज लिख दिए जाए तो जो क्रिएशन होगी वो आपका नॉवेल हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, पोयम हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। इट मींस आपके आपके लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज का निर्माण हो जाएगा। तो मैं आने वाले पीरियड्स में एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को आपको समझाऊंगा, आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। इस क्रम में मैंने आपको लैंग्वेज बताया, लैंग्वेज के बाद मैंने साउंड बताया। आज की जो ये पीरियड है, इस पीरियड को मैंने लेटर बताने के लिए तय कर दिया है। इसके इस पीरियड में मैं आपको लेटर के बारे में बिल्कुल विस्तार के साथ बताऊंगा। जब हम लोग लेटर बना लेंगे तो लेटर के बाद फिर अगले सेशन में हम लोग वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वगैरह वगैरह बनता जाएगा। आइए इत्मीनान के साथ बड़ी गौर से आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम लोग लेटर के बारे में सीखने जा रहे हैं, सीखते हैं। सबसे पहले आप लेटर को डिफाइन कीजिए, आखिर हम लोग लेटर कहेंगे किसको। एग्जाम्पल लीजिए, इसके बाद समझने में आसानी हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि लेटर। अगर लेटर को डिफाइन करना हो, सामने वाले को समझाना हो, तो हमें कहना पड़ेगा कि एनी लेटर इज अ, एनी लेटर इज अ यूनियन ऑफ साउंड्स। कोई भी अक्षर
ध्वनियों का मेल होता है। कोई भी अक्षर, चाहे वो अक्षर आपके हिंदी हिंदी साहित्य का हो, उर्दू साहित्य का हो, अंग्रेजी साहित्य का हो, अगर अगर वो लेटर है, चाहे वो किसी भी साहित्य का हो, किसी भी भाषा का हो, तो हर एक लेटर क्या होता है, एनी लेटर, कोई भी अक्षर, कोई भी अक्षर इज द यूनियन, यूनियन होता है, एक मेल होता है किसका, साउंड्स का। अब इसको और विस्तार से समझिए, एग्जाम्पल ले लिया मैं, एग्जाम्पल में कौन सा लेटर ले लूं, ले लेता हूं मैं क्या, जेड ले लेता हूं। आप देखो जेड को प्रोनाउंस करने में कितने तरह के साउंड आप यूज करते हो, जेड प्रोनाउंस कीजिए थोड़ा लंबा करके, जेड, तो आप ध्यान से देखेंगे तो जेड के उच्चारण में ज प्लस ए और प्लस ड, ये आपके साउंड्स हैं, ये साउंड्स हैं ज ए और ड, ये आपके हिंदी के वर्ण नहीं है, बल्कि ये क्या है, साउंड है, क्या है, साउंड्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि व्हाट इज जेड, जेड क्या है, डिफाइन जेड, जेड को परिभाषित करो, तो बताओ आप क्या कहोगे, आप कैसे समझाओगे साहित्य के दृष्टिकोण से कि जेड क्या है। आपको कहना होगा कि जेड इज अ यूनियन ऑफ थ्री साउंड्स लाइक ज ए ड, जेड जो है तीन ध्वनियों ज ए और ड का एक मिश्रण है, कहना होगा कि एनी लेटर इज अ यूनियन ऑफ साउंड्स। एग्जाम्पल से बात समझ में आ रही होगी, आप ध्यान से देखिए, जेड अगर एक लेटर है तो इस लेटर को बनाने में आपने कितने साउंड यूज किए, तीन साउंड, ज ए ड। अगर जेड को हमें डिफाइन करना होगा तो कहना होगा कि जेड यानी कि लेटर, और लेटर क्या होता है, तो ध्वनियों का मेल होता है, यूनियन होता है। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप ध्यान से देखो जेड में तीन साउंड, एक और लेटर आप लेकर के देख सकते हो, बोलिए क्या ले लें, क्या लें, एक्स ले लेते हैं, एक्स, तो एक्स को प्रोनाउंस कीजिए ए का सा, बताइए यहां भी तीन साउंड मिल रहे कि नहीं मिल रहे, ए का सा, ये आपके साउंड हैं। तो अगर एक्स को डिफाइन करना होगा तो कहना होगा कि एक्स अगर एक लेटर है, अक्षर है, तो क्या है भाई, तीन ध्वनियों का एक यूनियन है, एक मेल है, यानी कि ध्वनियों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, लेटर। अब तो आपकी समझ में लेटर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो लेटर को बनाने के क्रम में हमने कितने लेटर बनाए, एग्जांपल ले लीजिए, आपने लेटर बनाया ए बी सी डी ई जेड, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक आपने कितने लेटर्स बना लिए, आपने टोटल लेटर्स बनाया, ध्यान से देखिएगा, लेटर्स कितने बन गए, 26। ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत छोटा सा करके लेटर्स का डिटेल्स आपको दे रहा हूं, आपने सारे लेटर्स बना लिए, कितने बना लिए, 26, कितने बना लिए, 26, और इन 26 लेटर्स में, इन अंग्रेजी के 26 अक्षरों में आपके अंग्रेजी के जितने आपके साउंड्स हैं, 44, याद कीजिए, मैंने पहली पीरियड में आपको बताया था कि हमने अंग्रेजी में 44 साउंड्स बनाए हैं, मुझे समझाना है कि अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं इनकी रचना 44 साउंड्स से हुई है, यानी कि जितने साउंड हैं ये सब के सब इसमें आ जाएंगे, यानी कि 26 अक्षर 26 लेटर्स का मतलब अंग्रेजी का साउंड्स, साउंड्स नहीं कहें इसको, और समझने के लिए टोटल साउंड्स कह लीजिए, टोटल साउंड्स कितने होते हैं, 44। तो आपने 44 साउंड्स का यूज करके कितने लेटर्स बना लिए, तो 26, कितने लेटर बने, 26।
अगर इन 26 लेटर्स को आप एक साथ लिख डालो, सजा डालो, डेकोरेट कर लो, तो अगला जो चैप्टर आपका बनता है जिसे आप कहते हो अल्फा अल्फाबेट, क्या कहते हो अल्फा अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्ण हिंदी में वर्ण का मतलब होता है लेटर, अक्षर, माला जो हम लोग गले में लगाते हैं, यानी कि अक्षरों की माला, यानी के वर्णमाला अल्फाबेट। कितने से बना? तो 26 लेटर से बना, 26 लेटर से बना। अगर कहीं कोई पूछ बैठा कि अल्फाबेट क्या क्या होता है, अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो आपको कहना होगा कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26, जैसे कि ABCDZ तक। ये 26 अक्षर मिल करके क्या बना देते हैं? अल्फाबेट। ये अल्फाबेट जो बन गए, तो इसमें सारे जो लेटर्स हैं वो एक जैसे नहीं है। अक्षरों में समानता नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टिकोण से ये आपस में कुछ लेटर्स एक जैसे हैं, कुछ दूसरे जैसे हैं। तो इस हिसाब से मुझे ये बताना है कि सारे अक्षर एक जैसे नहीं हैं। अगर इस एतबार से देखा जाए तो आपके लेटर्स जो हैं, सारे लेटर्स ये दो भाग में बट जाते हैं। कितने भाग में? दो भाग में बटते हैं। पहला जो ग्रुप बनता है वह आपका वॉवेल लेटर होता है। क्या होता है? वॉवेल लेटर, स्वर अक्षर। और अगला जो बनता है वो कॉन्सोनेंट लेटर होता है। अगला क्या होता है? कॉन्सोनेंट लेटर, स्वर अक्षर, अव्यंजन अक्षर। और टोटल वॉवेल लेटर्स जो हैं वो 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5। और बाकी जो बन जाते हैं 21, ये आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। अब मैं इसके बाद आपको समझाऊं कि आखिर 5 जो आपके AEIOU, ये 5 जो वॉवेल लेटर्स हैं जिनको आप वॉवेल लेटर कहते हो, क्यों कहते हो, आखिर ये वॉवेल क्यों हैं, और इधर वाले 21 जो बचते हैं कॉन्सोनेंट हैं, तो क्यों कॉन्सोनेंट है? अब अगला हमको यही समझ। अल्फाबेट बन गए, तो अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स आए? तो 26। मैंने बताया कि ये सारे जो लेटर्स हैं एक जैसे नहीं हैं। फितरत के हिसाब से ये लेटर्स दो भाग में हो जाएंगे। एक होगा वॉवेल लेटर और अगला होगा कॉन्सोनेंट लेटर। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर वॉवेल लेटर मतलब 5 होते हैं ना, AEIOU। तो अब आप समझिए कि AEIOU को क्यों वॉवेल लेटर कहते हैं, क्यों नहीं इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, यही समझना है। वॉवेल, वॉवेल लेटर कहना होगा कि अब वॉवेल लेटर इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड बाय द हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड्स। एक वॉवेल लेटर का उच्चारण जो होता है वो वॉवेल साउंड से होता है। आप यहां ध्यान दीजिए, यहां लिया गया है अब वॉवेल लेटर। अगर कोई लेटर एक वॉवेल लेटर है तो उसका जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, उच्चारण करते हो, किससे करते हो भाई? तो वॉवेल साउंड से। इसको देखना हो तो एग्जाम, तो वह लेटर जिसका उच्चारण आपने वॉवेल साउंड से किया, क्या होता है? तो वॉवेल लेटर। एग्जाम्पल लीजिए, हमने ए ले लिया। अब आप ध्यान रखो कि ए के उच्चारण में क्या हम
सिर्फ वॉवेल साउंड ले रहे हैं कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड भी शामिल हो रहा है। देखो आप उच्चारण ए, पता चला कि ए के बाद एलवेज क्या आ रहा है, तो ए ए जितना आप लंबा करते जाओगे कभी भी आपका क नहीं आएगा, कभी भी आपका बी नहीं ब नहीं आएगा, एलवेज क्या आएगा ए आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए तुम्हारा एक वॉवेल लेटर है, स्वर अक्षर है, तो इसके उच्चारण में आपने किस साउंड का यूज किया है, तो ओनली आपका वॉवेल साउंड आया है। कहे कि आपको पता है कि अंग्रेजी के जिस अक्षर का या जिस साउंड का उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से होता है, अ आ हर्षो दीर्घो से होता है, वह आपका वॉवेल साउंड होता है। तो ए के प्रोनाउंसिएशन में आपने जितने साउंड आपने लिए, कौन से साउंड लिए, तो वॉवेल साउंड। तो इसका मतलब हुआ कि वॉवेल लेटर का उच्चारण केवल वॉवेल साउंड से होता है। आप आराम से कह लीजिए कि एक वॉवेल लेटर का उच्चारण किससे होता है, तो वॉवेल साउंड से होता है। अगला एग्जाम्पल लेके समझ लो। जैसे हम ले लेते हैं आई, तो आई के उच्चारण में हम क्या यूज करते हैं, आई, तो आ एक बार आएगा, इसके बाद अब हमेशा क्या आएगा, तो ई। आप जितना लंबा करके पढ़ोगे, अब आ के बाद एलवेज ई आएगा। यहां भी देख लो आप, ये हिंदी का स्वर है, तो स्वर होना ये बताता है कि ये सारे साउंड्स कौन से हैं, तो वॉवेल साउंड्स है। इसका मतलब कि आई का भी उच्चारण किससे हुआ, तो वॉवेल साउंड से हुआ। तो कहना होगा कि वॉवेल लेटर इज प्रोनाउंस्ड बाय द हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड्स। एक वॉवेल लेटर का उच्चारण केवल वॉवेल साउंड से होता है कि नहीं। तो अब ये जो तुम्हारे वॉवेल लेटर बने कितने बने, तो पांच बने। आपका वॉवेल लेटर कितना बना, वॉवेल लेटर आपने देखा कि वॉवेल लेटर का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ वॉवेल साउंड से हुआ। तो आपको कहना होगा कि वॉवेल लेटर का प्रोनाउंसिएशन किससे हुआ, तो वॉवेल साउंड से। अब आपके वॉवेल साउंड कितने हैं, 20, और इधर वॉवेल लेटर कितने हैं, 5। कौन कौन से 5, ए ई आई ओ यू। ये जो आपके लेटर हैं 5, ए ई आई ओ यू, इनका प्रोनाउंसिएशन एलवेज 20 जो आपके वॉवेल साउंड है अंग्रेजी के, इन्हीं से होता है, है कि नहीं। आपने देखा कि वॉवेल लेटर का प्रोनाउंसिएशन, वॉवेल लेटर का उच्चारण किससे होता है, तो वॉवेल साउंड से होता है। यानी कि जितने तुम्हारे वॉवेल लेटर हैं उनका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ वॉवेल साउंड से होता है। आपको पता है कि टोटल वॉवेल साउंड्स कितने हैं, तो 20, और इन 20 साउंड से अंग्रेजी के जितने लेटर्स प्रोनाउंस होते हैं उनकी टोटल संख्या है 5। ये कौन कौन से हैं, तो ए ई आई ओ यू। इन 5 लेटर्स के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड शामिल नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वॉवेल लेटर। अब ये भी कह सकते हो कि एक वॉवेल लेटर का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ वॉवेल साउंड से होता है। अब वॉवेल लेटर्स है ना, अब वॉवेल लेटर्स इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ। एक वॉवेल लेटर का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ वॉवेल साउंड से होता है, ओके? अब नेक्स्ट जो आपने बनाया लेटर, इसमें वो क्या था भाई, तो कॉन्सोनेंट लेटर।
तो अब 26 में से अगर आप 5 निकाल देते हो तो कितने लेटर बचते हैं? 21। ये जो तुम्हारे 21 लेटर हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर है। अब सवाल के आखिर इनको हमने वोवेल लेटर क्यों नहीं कहा, क्यों इन्हें हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं? अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि यहां अगर कोई लेटर वोवेल है तो इसका उच्चारण किससे हुआ? तो वोवेल साउंड से। नहीं, वोवेल लेटर है तो इसका उच्चारण किससे हुआ? तो वोवेल साउंड से। तो इसी के तरह यहां भी चाहिए था कि अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसका भी उच्चारण कहां से हो? तो कॉन्सोनेंट साउंड से हो। चाहिए था कि नहीं चाहिए था? फिर से देखो आप, वोवेल लेटर उच्चारण किससे? तो वोवेल साउंड से। तो जस्ट इसी की तरह अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट है तो इसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारित नहीं होता, बल्कि कहना होगा कि इसका उच्चारण बिना वोवेल का नहीं होता। जिस लेटर का उच्चारण बिना वोवेल साउंड के नहीं हो वह आपका कॉन्सोनेंट लेटर होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, बी, तो बी एक लेटर है। इस लेटर में आप देखो साउंड कितने आए हैं, बी बी ब प्लस ई, यानी के ब ई। अब इसको आप जितना लंबा पढ़िएगा एलवेज क्या आएगा, है कि नहीं? तो बी का पहला साउंड ब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। आगे के जो साउंड्स आ रहे हैं वो क्या है? वोवेल साउंड्स हैं। ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ये आपका वोवेल साउंड। इसका मतलब हुआ कि कॉन्सोनेंट लेटर का उच्चारण वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों साउंड से होता है, दोनों साउंड से होता है। अब आप अपने कंसेप्ट को और अच्छा कर सकते हो कि अगर कोई लेटर वोवेल लेटर है तो उसका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ वोवेल साउंड से होगा, लेकिन अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसके उच्चारण में हम वोवेल साउंड भी लेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड भी लेंगे। यानी कि जिस लेटर का उच्चारण दोनों साउंड वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आए वो आपका कॉन्सोनेंट होता है, और जिसका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ वोवेल साउंड से होता है वह आपका वोवेल लेटर होता है। ओके, अब तो मैं समझ रहा हूं कि आप कहीं भी इसको अच्छी तरह निकाल सकते हो कि क्यों इसको आप कॉन्सोनेंट लेटर कहते हो और क्यों इसको वोवेल लेटर कहते हो। ठीक है, तो आपने बनाया लैंग्वेज, फिर बना साउंड, साउंड बनने के बाद अगला एलिमेंट आपने बना लिया लेटर। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में वर्ड्स के बारे में जानने के लिए। ओके, बाय बाय।